नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम ना हो, गवर्नमेंट का हो, कोई भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। खास करके SSC बैंकिंग में तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। और जैसा कि आपको पता होगा, ब्लड रिलेशन जो है आपके बहुत सारे चैप्टर्स को भी कवर करता है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं और पजल चैप्टर्स में भी आ जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको बात की जाए ब्लड रिलेशन की, तो अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो तो आपको इसे सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर होता है, कभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इसकी ट्रिक नहीं पता हो तो कभी वहाँ पे कंफ्यूज, कभी वहाँ पे कंफ्यूज। और सबसे ज़्यादा गलती होने की चांसेस भी आपके ब्लड रिलेशन में ही होते हैं। ऐसे ऐसे गलतियाँ हो जाती है, एकदम माइनर माइनर मिस्टेक की, अगर थोड़ा सा ध्यान हटाया नहीं कि मिस्टेक हो गए। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक कि हमसे ध्यान हमेशा हटे कैसे नहीं, कैसे हम करें कि हमारे ध्यान हटे नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन को हम क्या बोलेंगे ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माता या पिता का पुत्र, इसे हम बोलते हैं भाई। माता या पिता की पुत्री को बहन बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपकी माता हो या पिता हो, उनकी पुत्री को आप बहन बोलोगे। आपके माता या पिता का पुत्र हो, उसे आप भाई बोलोगे। अगर बोले पिता का भाई, तो पिता का भाई को हम चाचा बोलते हैं, माता का भाई को मामा। ये सब आपके सिंपल सिंपल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर आपने इसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया, इन द माइंड आपने इसे बैठा लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिता की बहन होती है बुआ, माता की बहन होते हैं मौसी, पिता के पिता होते हैं दादा, माता के पिता होते हैं नाना। अब पिता की माता होती है दादी, माता के माता होती है नानी, ये आपका। फिर दादा के पिता होते हैं परदादा, और दादा की माता परदादी। अब पुत्र की पत्नी होती है पुत्रवधु, पुत्री का पति होता है दामाद, पति का भाई होता है देवर, आपको पता होगा। पत्नी का भाई होता है साला, पति की बहन होती है ननद, पत्नी की बहन होती है साली, भाई का पुत्र होता है भतीजा, भाई की पुत्री होती है भतीजी, भाई की पत्नी होती है भाभो या भाभी, बहन का पति होता है जीजा, बहन का पुत्र होता है भांजा या भांजी, चाचा की पत्नी होती है चाची, और मामा की पत्नी होती है मामा। और आगे भी आपके कुछ कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री तो चचेरा भाई या चचेरी बहन, मामा या मामी का पुत्र या पुत्री तो ममेरा भाई या ममेरी बहन, मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री तो मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, दादा का एकमात्र पुत्र हो जाएंगे। अगर आपके दादा के बस एक ही पुत्र होंगे तो सिर्फ इसी बात है आपके पिता होंगे। फिर दादा की कोई भी पुत्री होगी वो आपकी फुआ ही होगी। दादा के अन्य पुत्र जो भी होंगे, जैसे कि हमने एक पुत्र तो हमारे हो गए पिताजी, और भी जो दादा के बेटे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो चाचा बोलते हैं। और नाना या नानी के पुत्र को क्या बोलोगे आप, मामा, जैसे कि हम बोल सकते हैं। बिकॉज आपको तो ये सारे सिंपल सिंपल रिलेशनशिप है कि, बट थोड़ा सा टेढ़ा स्टूडेंट्स को क्या लग जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके कवर नहीं कर पाते इन द एग्ज़ाम। दादा, नाना या नानी की का पुत्र में सोचते मामा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि वो मामा होगा कि क्या होगा। नहीं, तो ये सारी चीज़ आपको एग्जैक्ट समझना होगा। दादा या दादी की एकमात्र बहू माता, दादा या दादी की अन्य बहू होती है चाची, एक तो आपकी बहू हो गई माता, और भी जो बहू होगी उन्हें हम चाची बोलेंगे। नाना या नानी की बहू को हम बोलते हैं मामी। और अगर आपका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, यानी आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, पिता या पत्नी होती है, पिता की पत्नी होती है मामा, माता, और माता के पति होते हैं पिता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्लड रिलेशनशिप में आपको करना क्या होता है कि किसी के भी बारे में दिया जाए, कोई भी नाम रहे, सोहन, एग्जैक्ट हमने माना कि लेट हमारा सोहन नाम रहे, कि सोहन की वो, सोहन की वो, सोहन के पिता के भाई, तो आप ये नहीं सोचो सोहन के पिता के भाई, वरना आपको कन्फ्यूज़न रह जाएगा। आप ये सोचो कि हमारे पिता के भाई हमारे क्या हो सकते थे, तो चाचा हो सकते थे, तो सोहन के पिता के भाई भी एग्जैक्टली सोहन के चाचा ही होंगे। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं, कोई भी नाम रहे, जैसे कि बोल दिया कि एक व्यक्ति किसी फोटो के ओर इशारा कर रहा है, तो आप क्या सोचो कि वो फ़ोटो हम स्वयं ही हैं, और उसके बाद आप रिलेशनशिप जोड़ो, आपसे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब आप जानते हैं ब्लड रिलेशन के अगले हम पहुंच रहे हैं जनरेशन। ब्लड रिलेशन में आपके जनरेशन की बहुत ही ज़्यादा मायने होती है। ब्लड रिलेशन में आपके 3-4 जनरेशन होते हैं। आप उस जनरेशन को, एक आपको ध्यान रखने, एक
इन द वन लाइन हम सिर्फ एक जनरेशन को रखेंगे, एक रो में सिर्फ एक जनरेशन को रखेंगे, जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आ जाए हम ऊपर चले जाएंगे। तो अब वो एक एक जनरेशन हमारा आता क्या है, ये भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें, जैसा कि हमने माना कि ये हम खुद हैं, यहाँ पे ये हम खुद हैं, ये हम खुद हैं हमने माना, तो इससे भी एक जनरेशन आपके ऊपर जाएगा आपके पिता रहेंगे, इससे भी एक जनरेशन ऊपर जाएगा आपके दादा रहेंगे, लगभग आपके इतना तक ही, इतना से ज़्यादा जल्द कभी पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है। और इससे एक जनरेशन नीचे जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कि बेटा बेटी इस तरीके से। तो आपको हमने, मैं क्या बता रही हूँ, इससे आपको समझना क्या है, इसे हमने आपने माना फर्स्ट जनरेशन, दादा दादी जो भी आएंगे उसे हम फर्स्ट जनरेशन में ले लेंगे, पिता माता जो भी हो गई इन्हें हम सेकेंड जनरेशन कर लेते हैं, और ये जो हम स्वयं हो गए, मैं मेरी बहन मेरे भाई, ये सारे चीज़ हम थर्ड जनरेशन मान लेते हैं, और ये जो बेटा बेटी मेरे पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी ये सारे चीज़ जो भी आएंगे उसे हम फोर्थ जनरेशन मानेंगे। अब इसे हमने जनरेशन में डिवाइड क्यों किया, इससे हमारे फ़ायदे क्या है, ये मैं आपको बता दे दे रही हूँ। जैसे कि आपके क्वेश्चन होते हैं कि ए बी का भाई है, तो आप ए बी तो डायरेक्टली लिख लोगे, बट उसके बाद रहे कि बी के पिता सी हैं, तो आपको उसे एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको बोल दिया बी के दादा, तो आप बस एक जनरेशन नहीं ऊपर जाओगे, आप एक जनरेशन और ऊपर जाओगे और ये डी हो जाएगा, और अगर बी का पुत्र एफ है तो ये आपका नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हमारा जनरेशन डिवाइड होता है। अब इस जनरेशन में हम एक जनरेशन में कितने लोगों को रख सकते हैं, ये भी आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हम किसे किसे रखेंगे एक जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में आपके लगभग कौन कौन से आ जाते हैं, तो दादा हो गए, दादी हो गई, आपको इन सारी चीज़ों को नोट आउट कर लेने की ज़रूरत है, नाना हो गए, नानी हो गई, इतने सारे लगभग आपके, इतने सारे से ही लगभग क्वेश्चन होते हैं, तो इतने सारे आपके एक जनरेशन हो गए। अब सेकेंड जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, तो आपके पिता आएंगे, माता आएंगी, चाचा आएंगे, आपकी चाची आएंगी, फिर मामा मामी मौसा मौसी सब इसी जनरेशन में आ जाते हैं, मामा मामी मौसा मौसी जो भी हो आपके इस जनरेशन में हो जाएंगे। थर्ड जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो आप स्वयं हो गए, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, अब जो आपके हो गए साला, आपके हो गए जीजा, ये सारे जो है एक जनरेशन में आ जाएंगे। अब लास्ट बचा हमारा फोर्थ जनरेशन, इस जनरेशन में कौन कौन आएंगे, तो बेटा हो गया, बेटी हो गई, आपके भतीजा हो गई, भतीजी हो गई, इतने सारे चीज़ आपके एक जनरेशन में हो गए, भांजा भांजी, ये सारे आपके जनरेशन बेसिस हो गए। अब बात कर लेते हैं अगर कुछ और चीज़ों की बात करें, इतने तो हमने जनरेशन की बात की, इसके आगे आपके जनरेशन के आगे आपके क्वेश्चन में और क्या आते हैं। अब आपको चीज़ एक आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी हो गया। अब हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं, आपको क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि अगर आपको मेल की बात करें तो आप उसे पॉजिटिव साइन दे दो और फीमेल को नेगेटिव साइन दे दो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। जैसे कि आपको रहा ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है तो बी के ऊपर आप नेगेटिव साइन डाल दिए तो आपको क्या प्रॉब्लम। फिर आपका रह गया बी का भाई सी है, तो आप सी पे पॉजिटिव साइन दे दोगे। अब इस ये साइन देने से हमें होता क्या है कि हमें ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे कि कौन भाई था कौन बहन था, यहाँ पे भी हमारे प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम इस तरीके से जनरेशन वाइज साइन वाइज देखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हमेशा मेल को पॉजिटिव देना है, फीमेल को नेगेटिव। अगर आपको रहा ए बी की माँ है तो आपको क्या कर लेने हैं, इन द क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी की माँ है तो आपको हमने क्या बोला कि एक जनरेशन ऊपर हमें जाना पड़ेगा, तो एक से एक जनरेशन नीचे है, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा और ये ए बी की माँ है तो एक पे नेगेटिव साइन डाल दिया। उसी तरीके से बी ए का पिता है, इस तरीके से आपके जो भी आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब आगे इस पे और भी चीज़ क्या होते हैं कि हम किसे किस साइन से दिखाते हैं। साइन तो एक आपको हो गया एक एरो। अब जैसे कि रहा कि भाई 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 को दिखाना है या भाई या बहन को दिखाना है, तो इन सब में हमें कौन से एरो यूज़ कर लेने हैं, तो इन सारे में आप इस ये सिंगल एरो यूज़ करोगे। अगर आपको दिखाना हो ए बी का भाई है तो आप इस तरीके से दिखा दोगे। अब दूसरा आपको फिर आता है कि आप पति पत्नी, पति पत्नी को हम किस तरीके से दिखाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, तो पति पत्नी को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। रहा ए बी पति पत्नी है तो ए और बी को इस तरीके से पति पत्नी बना दिया ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कहीं भाई तो नहीं था कहीं पति पत्नी तो नहीं था, इस तरीके के कन्फ्यूजन्स होते हैं। अब हमने जैसा कि बोला कि जनरेशन ऊपर जाते हैं तो पिता माता को दिखाना होता है, तो पिता माता को दिखाना होता है
तो इसके अगर पुत्र की बात हो तो आप नीचे की ओर एरो ले लो, यहाँ पे हमारा पुत्र आ जाता है। तो इस तरीके से आपके साइन, इस तरीके से आपके एरो वाले साइन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, किस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन में आपके तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन और कोडेड ब्लड रिलेशन। सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन आगे देखेंगे, अब कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है। तो इसमें आपके होते क्या है, आपको रह गया कि ए गुना बी जो है, ए और बी को ए ए ए बी का भाई है ये दर्शा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे, तो अभी इस वीडियो में हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बुक उठा के देखो तो इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, तो हम देख रहे हैं अब इन दोनों टाइप के क्वेश्चन। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन पे। अब जितना हमने बताया उससे आई थिंक आपको क्वेश्चन ईजी लगने लगे, तो आप क्वेश्चन को देखो। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट टाइप हमने आपको क्या बताया कि सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमने आपको क्या बोला, ये फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है। कहा क्या रहा है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कि एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है, औरत तथा आदमी का संबंध बताइए। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कह रहा है कि एक औरत को एक आदमी इंगित करता है, तो हमने आपको क्या बोला कि जिसको इंगित करे उसे आप स्वयं को मान लो। तो ये हमने मान लिया कि ये हम खुद ही हैं। एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो ये आपको औरत को इंगित करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस औरत का रिलेशनशिप क्या है। आपको जिस रिलेशन में खुद को बैठाने में ईजी लगे आप उसमें बैठाओ। करे आदमी कहता है कि मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है, तो उस आदमी को ही आप स्वयं मान लो। अब सोचो उस आदमी के पिता की सास की इकलौती पुत्री कौन हो सकती थी। तो ये आदमी है, इसे हमने ए माना। इसके पिता हो गए, ये हमारे पिता हो गए। अब कह रहे इसके पिता की सास, सास को अगर आपको कोई थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कर्व्ड लाइन ले सकते हो इस तरीके से। ये हो गई सास, सास की इकलौती पुत्री। अब सास की इकलौती पुत्री बोल रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। अब आप सोचो पिता के सास की इकलौती पुत्री यानी कि ये कौन सी हो गई, ये औरत क्या है, तो वो मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो ये पुत्री जो है औरत, ये जो पुत्री है वो खुद औरत है। अब सास की इकलौती पुत्री अगर रहेगी, अगर आपके सास की कोई इकलौती पुत्री रहेगी, आप लेट करो कि अगर मेरे सास की कोई इकलौती पुत्री रहेगी वो क्या हो जाएगी, तो मेरी खुद की वाइफ हो जाएगी। तो हमने आपको क्या बोला, पति पत्नी के लिए ये वाले साइन डालना है। तो औरत तथा आदमी का संबंध क्या हो गया, तो ये उसका क्या हो गया, तो ये औरत का आदमी, औरत तथा आदमी का संबंध क्या हो गया, तो ये माता हो गई इसकी। बिकॉज अगर ये उसका पिता तो पिता की पत्नी माता, तो ये आपका हो गई माता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, ये सॉरी आपका करती है लिखा गया, कहती है वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, आदमी तथा औरत का संबंध बताइए। एक फोटो की ओर इशारा कर रही है और एक औरत बोल रही है, औरत को हम खुद मान लेंगे। वो औरत क्या कर रही है कि वह आदमी जो है वह मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, यानी कि औरत के पति, यानी कि हमने जो माना हमने खुद है, तो ये हम औरत ही लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए। औरत के पति, औरत के पति, इस तरीके से हमने आपको साइन देने बोला। इसका पति जो है औरत के पति के पिता, पति के पिता, पिता तो ऊपर चले जाएंगे तो पति के पिता हो गए हमारे इस तरीके से, की पत्नी, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन हो सकती है, तो पिता की पत्नी हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये पत्नी हमने ले लिया पिता की पत्नी, तो ये पत्नी का इकलौता पुत्र है। तो पत्नी का अगर इकलौता पुत्र रहेगा यानी कि वो खुद उसका पति रहेगा, पत्नी का, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र। हाँ, आपके आपके पापा की पत्नी के अगर आप इकलौते पुत्र होंगे तो वो आप खुद होंगे, तो वो उसके पति हो गए इस तरीके से। ये उसका क्या आ जाएगा, तो पति, ये उसका खुद का पति हो गया। उस औरत का ये कौन, उस औरत का ये कौन हो जाएगा, तो पति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमने किया क्या, आप इसे दूसरे लैंग्वेज में कैसे समझ सकते थे, मैं आपको बता दे रही हूँ। कह रहा औरत के पति, इस तरीके से पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, तो पिता की पत्नी क्या हो सकती है, तो औरत की आपकी क्या हो सकती है, तो सास हो सकती है। अब सास का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, तो हमारे पति हो जाएंगे, तो ये हो गए पति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। हमने आपको क्या बोला, दो टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपका टाइप टू का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। टाइप टू जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो कौन सा क्वेश्चन होता है, तो टाइप टू टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं मिक्स्ड ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन, तो हम उसे देख रहे हैं। अब इसमें भी आपको, इसमें आपको जो हमने साइन वाले बताया कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन देना है, ये आपके इसी क्वेश्चन के लिए यूज़फुल है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, इस कारण हम इस तरीके के साइन के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेंगे। कह रहा है ए तथा बी बहने, ए तथा बी दोनों बहने, यानी कि दोनों पे आपको कौन सा साइन लगाने होंगे, तो नेगेटिव साइन। अब कह रहा आर एस भाई हैं, आर एस भाई बोल रहा है, लेकिन इन दोनों से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो और एस को आप अलग रख लो, दोनों पे पॉजिटिव साइन दे दो। अब कह रहा ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री हमने माना एक्स है, वो क्या है, तो वो आर एक्स आपको पॉजिटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन, बिकॉज लड़की है, तो ये हमने नेगेटिव साइन ले लिया। करे ये आर की बहन है, तो आर की अगर बहन होगी तो आर एस की भी बहन हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि बी का एस से संबंध बताइए, तो बी का एस से क्या संबंध हो गया, तो ए का अगर ये पुत्र हो जाएगा, तो बी इसकी क्या हो जाएगी, तो बी इसकी आपको दिख रहा होगा बुआ हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करे बी डी की माँ है तथा सी डी का भाई है, एच ई की पुत्री है, डी ई की पत्नी है, ई तथा सी का संबंध बताइए। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस जो दिया गया उसे लिख लेंगे। कह रहा है बी डी की माँ है, तो बी डी की माँ हो जाएगी, डी यहाँ है, अब माँ है तो नेगेटिव साइन तो पढ़ना है। अब कह रहा है तथा सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो ये हो गया सी, इसके लिए हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। अब कह रहा है एच ई की पुत्री है, एच ई की पुत्री है, तो यहाँ पे तो हमें इसके लिए कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ इसे अलग लिख लिए, एच ई की पुत्री है। अब कह रहे डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, तो हमने आपको क्या बोला, पत्नी के लिए डबल एरो दे देंगे, डी ई की पत्नी है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब पूछ रहा है ई तथा सी का संबंध क्या हो जाएगा, तो ई तथा सी का संबंध क्या हो गया कि डी ई की पत्नी है, तो ई तथा सी का संबंध क्या हो सकता है हमारा, तो ई तथा सी के संबंध, आई थिंक आपका क्वेश्चन होना चाहिए था डी ई की पत्नी है, तो ई डी तो आपकी लड़की हो जाएगी, तो डी के लिए आपको नेगेटिव साइन एंड ई के लिए पॉजिटिव साइन। अब कह रहे ई तथा सी का संबंध बताइए, तो ई तथा सी का क्या संबंध होगा, अगर आपकी बहन का कोई पति होगा, या फिर आप बोले तो आपकी पत्नी का भाई आपका क्या हो सकता है, तो साला हो सकता है, तो ये आपका साला हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।